उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने रायबरेली के अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बैनी माधव सभागार का किया भूमि पूजन। पारंपरिक तौर पर हवन पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल अमर शहीद राणा बैनी माधव के स्मारक स्थल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से लगभग 5 बीघा जमीन दी गई है, जिसके लिए पैसा भी स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त जमीन में एक ऑडिटोरियम के साथ साथ एक म्यूजियम की भी स्थापना होनी है, जिसमें भूमि पूजन का शिलान्यास प्रदेश सरकार के मंत्री के द्वारा बटन दबाकर किया गया। ठीक है, आपके मंत्रालय के तमाम जो संस्थान है वो पीपी मॉडल में जा रहे हैं, क्यों? इसलिए जा रहे हैं, जो संस्थान हम लोगों के घाटे में चल रहे थे तो सरकार के संस्थान नहीं है। हमारा पर्यटन निगम जिनको चला रहा था, निगम अलग है, सरकार अलग है, तो निगम के जो संस्थान लगातार घाटे में जा रहे थे, जीर्ण शीर्ण स्थिति में थे या बर्बाद होने के कगार पर या बर्बाद हो चुके थे, ऐसे सभी संस्थानों को लोक हित में, जन हित में और पर्यटन हित में हम लोग ट्रिपल पी पर डेवलप कराने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को बेहतरीन सेवाएं उत्तर प्रदेश में मिल सकें। हमें खुशी है कि बेहतरीन रिजल्ट भी उसके आ रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश का पर्यटन अकेला काशी से लेकर के, अयोध्या से लेकर के, मथुरा वृंदावन से लेकर के चित्रकूट तक, पूरे प्रदेश में जो 12 सर्किट हैं उसमें लगातार पर्यटकों की जिस रेशियो में वृद्धि हो रही है, हिंदुस्तान में सर्वाधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में इस साल आए हैं, इसके लिए पर्यटन विभाग संतुष्ट है पूरी तरह। और हमारा प्रयास है कि देश की धरती पर कोई भी विदेशी आए या देश के किसी राज्य का कोई पर्यटक है तो घूमने का मन बनाए, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा करे, धार्मिक यात्रा करे, ऐतिहासिक यात्रा करे, इको टूरिज्म की दृष्टि से जाए, एडवेंचर टूरिज्म की दृष्टि से जाए, वेलनेस की दृष्टि से जाए, उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश हो, इसको बनाने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। मंत्री जी कहें कि रायबरेली में पर्यटन विभाग द्वारा कई करोड़ रुपए आए हैं और अब ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या है? मैं समझता हूं कि राणा बेनी माधव बख्शिंग हमारी धरोहर हैं, उनकी यादें चिरस्थायी रखने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रायबरेली वासियों को तोहफा दिया है। मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली वासियों को से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ऐसी चीज़ दी जो इतिहास में आज तक कभी कोई दे नहीं पाया, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पीढ़ियाँ सीख लेंगी इससे, इसलिए मैं अपने रायबरेली वासियों को से अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्या लग रहा है, आपका नाम हटाया गया सिलापट से भी? मैं, मेरा नाम का विषय नहीं, सकारात्मक सोचो, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है जो लोग यहाँ पर उपस्थित थे। गजाधर सिंह जी का नाम नहीं है, वो भी पूर्व विधायक हैं। राकेश प्रताप सिंह जी का नाम नहीं, वो भी पूर्व विधायक हैं। नाम जिसका है, हम लोग राणा बेनी माधव की छतरी के नीचे और योगी आदित्यनाथ जी की छतरी के नीचे काम कर रहे हैं, हमारे लिए संतोष का विषय है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।